नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में लगातार सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं देर रात एक व्यापारी सड़क हादसे में व्यापारी की मौत हो गई। व्यापारी शराब पीकर वाहन चला रहा था। इसका नतीजा यह हुआ कि बाईपास पर बैलेंस बिगड़ने से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र के बाईपास की है, जहां व्यापारी मुकेश आंवले, जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाकर अपने घर पुष्प रत्न कॉलोनी लौट रहा था, इसी दौरान उसकी कार का बैलेंस बिगड़ने से कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें उसे गंभीर चोट आई थी। घायल अवस्था में व्यापारी को एमवे अस्पताल पहुंचाया था, जहां पर उसकी मौत हो गई। परिजन के मुताबिक मुकेश आंवले शराब का सेवन करते थे, संभवतः शराब के नशे में यह दुर्घटना हुई है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवे अस्पताल पहुंचाया है। एमवे से सूचना प्राप्त हुई थी कि मृतक जो है वो घायल अवस्था में एक व्यक्ति बाईपास रोड पर जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर मरचूरी में आकर यहाँ पर जो है पोस्टमार्टम संबंधी कार्रवाई की गई है और पोस्टमार्टम के लिए मृतक को रवाना किया गया है। मृतक का नाम मुकेश आंवले पिता जगदीश आंवले निवासी पुष्प रतन कॉलोनी इंदौर है। कैसा हादसा हुआ है? ये अपने मित्रों से मिलकर वापस अपने घर के लिए आ रहे थे, तो बाईपास एवी रोड पर डिवाइडर से इनकी कार जो है वो टकरा गई और उससे इन्हें चोटें आई हैं, जिस कारण से इनकी मृत्यु हुई। क्या करते थे ये? इनका व्यापार था और व्यापार करते अकेले थे उस समय गाड़ी में? हाँ, परिजनों के मुताबिक कि ये गाड़ी में उस समय अकेले थे। पुष्प रतन कॉलोनी इंदौर के। क्या कारण आया अभी ये जांच का विषय है। प्रथम दृष्टया जो है ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये शायद अकेले थे, हो सकता है शराब का सेवन किया हुआ है, जिस कारण से अनियंत्रित होकर कार जो है डिवाइडर से टकरा गई। कुछ मिला कार में से? नहीं, अभी इस तरह की कोई चीज़ जांच में नहीं आई। आपका नाम? उप निरीक्षक बलबीर सिंह रघुवंशी, थाना कनाड़िया इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।